नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है, और वो अपडेट ये है, जितने भी अनाथ बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। तो जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को फिर से एक नया काम करना है कि जितने भी आपके क्षेत्र में अनाथ बच्चे हैं जिनको COVID-19 के संक्रमण के चलते उनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, यानी कि मृत्यु हो चुकी है, उन बच्चों को आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अनाथ बच्चों के लिए जो स्कीम चलाई है, तो उस स्कीम के तहत सभी बच्चों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी, और जो भी सारी सुविधाएँ हैं उन सभी सुविधाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए उन बच्चों तक पहुँच सके। इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट जुड़ चुका है। तो आप लोगों को कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है उसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड जितने भी आप लोग के मन में सवाल या सुझाव हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का यह वीडियो। तो आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में नया अपडेट पाने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर सर्च करने के बाद आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल में अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली अपडेट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं। ओपन करने के बाद आपके यहाँ आपके मोबाइल में देख सकते हैं कि पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे अपडेट ये भी है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे एक नया अपडेट जुड़ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं अनाथ बच्चे। तो अनाथ बच्चे के ऑप्शन को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं जोड़ा गया है। रिकॉर्ड जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर अनाथ बच्चों को जोड़ें, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अनाथ बच्चे का फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है आप लोग ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे का नाम पूछ रहा है, उम्र पूछ रहा है, और उम्र महीनों में होनी चाहिए, यानी कि आप लोग जो भी बच्चे का उम्र डालेंगे वो सिर्फ महीने में डालेंगे, ना कि साल में। जैसे कि 2 साल 3 साल बच्चे का उम्र है तो 24 मंथ 36 मंथ इसी प्रकार से आप लोग को इसमें एंट्री करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे किसी बच्चे का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे कि किसी बच्चे का नाम हो गया रवि कुमार। उसके बाद इस बच्चे का जो उम्र है 2 साल 2 महीने यानी कि 24 2 26, यहाँ पे 26 महीने लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे का लिंक सिलेक्ट करेंगे कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है, तो उसके बाद इसको मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद संपर्क व्यक्ति का नाम, तो जो भी उस अनाथ बच्चा है उसके रिलेटिव में या किसी भी संपर्क जानने वाले व्यक्ति का यहाँ पे नाम डालेंगे, उसके नाना नानी या उसके घर में कोई भी और भी पर्सन है उनका यहाँ पे नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है संपर्क व्यक्ति मोबाइल नंबर, तो उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालना है जो इस व्यक्ति का नाम हमने ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है माता का नाम, तो उस बच्चे का जो भी माता का नाम होगा यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके पिता का नाम डालेंगे। पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या माँ की मृत्यु हो गई है, अगर उस बच्चे की माँ की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे मृत्यु की तिथि आ जाता है, तो आप लोग उस बच्चे की माँ की जब मृत्यु हुई होगी उस दिन का यहाँ पे तिथि डाल देना है। जैसे कि
तो मैंने यहाँ पे उस बच्चे की माँ की मृत्यु की तिथि डाल दिया है, और अगर उस बच्चे की माँ की मृत्यु नहीं है, नहीं हुई है, तो आप लोग यहाँ नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर आगे पूछ रहा है क्या पिता की मृत्यु हो गई है, तो इसमें भी आपको हाँ भरेंगे, तो हाँ भरेंगे, तो जैसे ही हाँ भरेंगे आपको यहाँ पे मृत्यु तिथि भी डालनी पड़ेगी। मृत्यु तिथि डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कोई राहत दी, अगर किसी ने उस बच्चे के लिए कुछ राहत या कोई भी सहायता प्रदान किया है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे, और नहीं किया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारा डिटेल्स भरने के बाद हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो हम लोग का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप लोग के क्षेत्र में कोई भी अनाथ बच्चे हैं तो उन सभी का डिटेल्स इसी प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी अपडेट थी मैंने उसके बारे में आप सभी को क्लियर बता दिया है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।